आइए एक धुन फिल्मी दुनिया ने ऑटो ने गाई। मैं शुरुआत कर रहा हूं अपनी ओर से गाखा गाखा से। जब जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले उसको पढ़ाई जाती है, गाखा गाखा पढ़ाया जाता है और उसी के साथ में उनको गिनती भी पढ़ाई जाती है और गिनती में आता है जोड़ घटाना गुणा भाग। कोई मिसाल नहीं है। अब क्या धर है मनुष्य का सर पशु का है जो ए, 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 ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा जोड़ कौन सा है। अब क्या अगर ना समझ में आए तो गणेश जी के सामने खड़े हो जाइएगा हाथ जोड़ करके, वहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, वो बता देंगे। लेकिन जोर इस तरह का कोई जोर के दिखाए रे, उसके अलावा कोई जोर भी न पाए, उसके अलावा कोई जोर भी न पाए, उसके अलावा कोई जोर भी न पाए। जोर जोड़ने वाले ने जोर ऐसा जोड़
बहुत बढ़िया। काम न चाहो शिव का मान घटाना, गति उम्र जिंदगी की झूला घटाना। घटाएं गिरी है काली काली घटाएं रे, उसके अलावा कोई जोर भी न पाए। कन्हैया जी पहुंच गए काल यमन के सामने। अब काल यमन ने उनको दौड़ाया और कन्हैया भाग रहे हैं। समझिए, काल यमन के आगे, काल यमन के डर से कैसे भाग पाए। वरदान था कि आपके जगने के बाद पहली टेस्ट जिस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। काली यमन के डर से कृष्ण भाग पाए, वो पापी इधर वो न भाग पाए। समय से बचकर कोई, समय से बचकर कोई भाग न पाए रे। भाग समय से बचकर कोई भाग न पाए रे, उसके अलावा कोई जोर भी न पाए। उसके अलावा कोई जोर भी न पाए। उसके अलावा कोई जोर भी न पाए। अब आ जाइए जोर घटाना भाग। अब गुना पे आ जाइए आप लोग, सभी बाल बच्चे वाले हो। जब अपने बिटिया बिटवा का विवाह कराने के लिए पंडित जी के पास जाते हो तो पंडित जी देखो क्या करते हैं। बड़ा ठिकाणबाजी गुणा भाग लगाओ। ये परम आदरणीय राजू वाजपेयी जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और मेरा मोबाइल नंबर 8052562000। ये बताते जाना। जरूर बताएंगे। पद्मा जी कह रही हमारा ही बताइए, हम बताएंगे। 36 गुण हो जिसमें, 51 रुपए परम आदरणीय दादा विष्णु कुमार जी की तरफ से है। हम पुनः आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना है 36 गुण हो जिसमें बनता वो गुणाकर। कहते हैं बिटिया के गुण 20 हैं और बिटवा के 22, लेकिन सबसे अधिक गुण होते हैं 36। 36 गुण जिसके हो जाते हैं वो परम पिता परमेश्वर के समान होता है। इसलिए कहना है 36 गुण हो जिसमें बनता वो गुणाकर। गुणाधीन जिसके हैं जाने वो गुणाकर। गुणवान ज्ञानी हर एक, गुणवान ज्ञानी हर एक गुणा कर न पाए रे। ये गीत परम आदरणीय माननीय सम्मानी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के मशहूर लेखक परम आदरणीय रवि ज्ञानी जी का लिखा हुआ है। ये वो सुन भी रहे पीछे से। 36 गुण हो जिसमें बनता वो गुणाकर। गुणाधीन जिसके जाने वो गुणाकर। गुणवान
कोई जोड़ भी न पाए, के अलावा कोई जोड़ भी न पाए, के अलावा कोई जोड़ भी न पाए, के अलावा कोई एक बार प्रेम से बोलिए बाबा बजरंग बली की जय। भारत मनीष शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी आपने आदरणीय सुरेश सितारा जी को सुना, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाए उन्होंने, हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हमारे बीच पद्मा शर्मा जी आए अपने देशभक्ति से भरे हुए गीत को लेकर। उससे पहले मैं आप सभी को चार पंक्तियां सुनाना चाहूँगी, और अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का है, लेकिन ईश्वर उसी का है जो अपना सर सबके सामने झुकाना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए चार पंक्तियाँ और सुनाना चाहूँगी, और बात अच्छी लगे तो तालियाँ ज़रूर बजाइएगा। मेरी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उनको हमारे प्यार पे शक आज भी है, हालांकि उनको हमारे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ कर धोए थे उन्होंने हाथ कभी, नाव में बैठकर धोए थे उन्होंने हाथ कभी, क्योंकि सारे तालाब में मेहंदी की खुशबू आज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियां बजा के आप आदरणीय पद्मा शर्मा जी का स्वागत करें। मैं फिर एक चक्र के बाद आप सभी को बहुत ही अच्छी सी शायरी सुनाने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो आशीर्वाद आया लेकिन नाम नहीं आया। तो ऐसे बड़े दिल वाले लोग जो अपना नाम नहीं जताना चाहते लेकिन पुरस्कार देते हैं कलाकारों को उनकी हौसला अफजाई के लिए, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उन लोगों के लिए और आप सबके लिए और हमारी सैयद बाबा कमेटी के लिए एक बात कहना है। क्या? कभी अपनों से ना लड़ना, कि अपने रूठ जाते हैं, समय के साथ दिल के गहरे दाग भी छूट जाते हैं। कभी अपनों से ना लड़ना कि अपने रूठ जाते हैं, समय के साथ दिल के गहरे दाग भी छूट जाते हैं। अगर सच्ची मोहब्बत है तो पहरों से मत डरना, अगर सच्ची मोहब्बत है तो पहरों से मत डरना, क्योंकि मोहब्बत में वो ताकत है कि पहरे भी टूट जाते हैं। धन्यवाद है। एक बहुत अच्छा गीत हमारे आज के जो चमचमाते मुस्कुराते साथी कलाकार हैं, खिलखिलाते यानी हेलो सितारा जी, मतलब ये ऐसे सितारे हैं कि इनको रात की जरूरत नहीं है, ना ना ना, ये दिन में भी चमकते रहते हैं। इनका अपना जलवा अलग ही निराला है जो हम सभी का देखा भाला है।
लेकिन अभी आपने मेरे फोन नंबर को अपनी डायरी में से जनता के सामने नहीं निकाला है। आपने अपना नंबर तो बता दिया, अरे साथ में हमारा नंबर भी बता देते। एक गीत आया आपकी तरफ से, एक तो बलम तेरी याद सताए, ठीक है कीर्तन है, कीर्तन की परिपाटी चेंज हो रही है और बिल्कुल भी जनता का समय बर्बाद ना हो इसका विशेष ध्यान रखें आप दोनों ढोलक वादक। जरूर, एक तो बलम तेरी याद सता, लेकर आए हैं श्री सुरेश जी। जोड़ घटाना फिर भाग और फिर गुणा, लेकिन भाग वो वाला भाग नहीं है जो गणित में चलता है, भाग ये वाला है। भाग 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 शेर आया, भाग 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 शेर आया। सोच रही हूँ थोड़ी सी आपकी खिंचाई करूं सितारा जी, स्टाइल से। जब जोड़ घटाना गुणा भाग लगाया तो भाग में मैथमेटिक्स लगा देते, लेकिन बहुत बढ़िया गीत हमारे सुरेश सितारा जी का कोई जोड़ नहीं है। ना 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 ना, आपके गीत का सम्मान कर रही हूँ। और जब आप सुनिएगा पहली बात, एक देवी ऐसी मिली जिनका सारा तन, तन जो है वो नारी का है, लेकिन उस पर जो जोड़ जोड़ दिया गया सिर का जोड़, वो नारी का नहीं है, वो पक्षी का है। ये जो जोड़ जोड़ा गया उसकी बात कर रही हूं। सुनिएगा, नारी का यानी उस देवी का शीश है कैसा, पहली विधा का पालन यानी जोड़ मिला रही हूं। हाय रे विधाता, क्या
नारी की है काया। जोड़ मिला रही हूँ, आपका भी जोड़ कुछ ऐसे ही जोड़ था, तन नारी का लेकिन शीश पक्षी का, सुनिएगा। हाय रे विधाता तेरी देखी है माया, सर है पक्षी का नारी की है काया। तो दिखता न तन में जोड़, दिखता न तन में जोड़, जोड़ की है माया रे। दिखता न तन में जोड़, जोड़ की है माया रे, जोड़ की है माया, क्योंकि तेरे अलावा कोई जोड़ भी न पाया। क्योंकि ये चमत्कार तो विधाता ही कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते ना। इसलिए पंक्ति लिखी गई कि दिखता ना तन में जोड़, जोड़ की है माया रे, और तेरे अलावा कोई जोड़ भी ना पाया। आइए त्रेता में आइए, और त्रेता में क्या हुआ, रावण ने भगवान राम का अपमान करना चाहा, लेकिन हुआ क्या, यहाँ घटाना दिखा रही हूँ। जिस तरह आपने दिखाया बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सिंपल सी बातें। कैसे? रावण ने चाहा, चलो बहुत की पर पाया घटाना। बिल्कुल एक एक शब्द अपने आप आपको समझ में आएगा। तमाम षड्यंत्र खेले कि भगवान राम का अपमान कर ले, लेकिन भगवान तो भगवान है। रावण ने चाहा राम का मान घटाना, कोशिश बहुत की पर पाया घटाना। काल से यहाँ पर कोई भाग नहीं पाया रे, जिसको जाना है उसको जाना है, रावण सरी से चले गए। तो काल से यहाँ पर कोई भाग नहीं पाया रे, भाग नहीं पाया। सारे जगत को देखो तूने माया। सुनिएगा, जब गुणा की बात आ रही है, गुण गुणा, एक सिंपल सी बात कह रही हूँ, सुनिएगा। प्रभु का नाम बड़ा गुणकारी है। जय हिंद, बोलिए भारत माता की। सभी जश्न मना रहे हैं अपने अपने अंदाज में, तो मैं पद्मा शर्मा कहना चाहती हूँ कि जो प्रभु का नाम है यानी राम राम, अगर इसमें जादू ना होता तो आप लोगों के मुंह से राम राम न निकलता। यहाँ तक कि जब हम लोग चार कंधे पर सवार होकर जाते हैं तब भी यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है और उस सत्य से ही मुक्ति है। आइए, इस नाम में सारे गुण समाए हैं और वही गुण मिलकर गुणा करने का काम करते हैं। कैसे? कैसे? नाम रूपी औषधि तेरी है गुणकारी, पाप को भस्म करती अति सुखकारी। अति सुखकारी। और इस राम नाम का जाप करके आप तमाम
चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करने से चीजें बढ़ जाती हैं। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, इस तरह हो जाती हैं। तो जब आप राम नाम का नाम लेंगे तो अपने आप गुणा आपके जीवन में होता चला जाएगा। नाम रूपी औषधि तेरी है गुणकारी, पाप को भस्म करती अति सुखकारी। भक्ति तेरी कलयुग में होगी न जाया रे, आपकी भक्ति कलयुग में बर्बाद नहीं हो सकती। और उसका ही नतीजा है कि अयोध्या में तमाम काम चल रहे हैं। सुनिएगा, भक्ति तेरी कलयुग में होगी नजाया रे, होगी नजाया। राम नाम जप ले बंदे, राम की है मार। राम नाम जप ले बंदे, राम की है माया। राम नाम जप ले बंदे, राम की है माया। जो हिंदू लोग हैं वो भगवान राम का नाम जप सकते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अपने अल्लाह को याद कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि नेक बने और एक बने। अंतिम बात सुनिए, भाग की बात सुनिए। अपने भाग का यदि हम लोग तमाम धन कमाते हैं, ये ग्रंथों में लिखा है और हर मजहब में कहा जाता है कि अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं तो चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो यीशु हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, सब आपको उसका बहुत बड़ा रूप वापस करते हैं। तो सुनिएगा, इस भाग का प्रयोग कर रही हूँ सितारा जी। अपने भाग का यदि भाग कर देगा दान तू, तो पुण्य का बनेगा भागी, पाए सम्मान तू। दिया, किसी ने 101 रुपए, किसी ने 51, किसी ने 30, किसी ने 11, हर एक पुरस्कार का हृदय से सम्मान करती हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई को देता है, ये बहुत बड़ी बात है हम कलाकारों के लिए। सुनिएगा, अपने भाग का यदि भाग कर देगा दान तू, पुण्य का बनेगा भागी, पाए सम्मान तू। मानव का रूप लेके जग में तू आया रे, मानव का रूप लेके जग में तू आया रे, जग में तू आया। राम नाम जप ले बंदे, राम की है माँ। राम नाम जप ले बंदे, राम की है माया। राम नाम जप ले बंदे, राम की है माया। बोलिए भारत माता की जय।